वेलकम इन माई यूट्यूब क्लासेस। आई एम राहुल गुप्ता, साइंस एक्सपर्ट। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 9 क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता एंड दैट इज चैप्टर 9 क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज वीडियो 1। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो नॉर्मली डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से मिलकर बने होते हैं, वही चीज हम बात करेंगे आज यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जिसमें आपका मेटल भी प्रेजेंट हो, लिगेंड्स भी हो, नॉन मेटल्स भी हो, बट वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर बना हो और एक अपने आप में क्रिटिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता हो, लाइक दैट। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट इन दिस स्ट्रक्चर दैट मेटल इज एम एंड अनदर इज एन आयन, दैट इज लिगेंड और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इसमें बहुत चीजें समझने की हैं, इस स्ट्रक्चर को देखकर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। लाइक जैसे कि एक सॉल्यूशन है, उसमें एक सॉल्यूशन और मिक्स किया और उसे हीट किया, तो क्या है वहां पर एक तरीके से अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है, क्रिस्टल बना रहा है और एक मॉलिकुलर कंपाउंड बना रहा है। यही चीज हमें यहाँ पर समझनी है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं उस चीज के बारे में बात करेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स आयन्स को कंटेन करते हैं, लाइक दैट। ये पोटेशियम एलम का फॉर्मूला था, K2SO4, Al2SO4, 24H2O। तो इसमें डबल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक पोटेशियम टेट्रासाइनोड निकलेट। तो मॉलिकुलर कंपाउंड की बात करते हैं या जिन्हें बोलते हैं हम एडिशन कंपाउंड, दो टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सबसे पहले बात करेंगे डबल सॉल्ट की। तो डबल सॉल्ट्स आर द एडिशन कंपाउंड्स विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट ब्रेकअप इन टू कॉन्स्टेंट आयन वेन डिजोल्व इन वॉटर और एनी अनदर सॉल्वेंट। लाइक आप वॉटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो डिजोल्व होने पर वो क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, इसके मोहर सॉल्ट है, पोटाश एलम है, कार्नेलाइट है। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है K2SO4, FeSO4, NH4O2SO4, 6H2O। वहीं पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4, Al2SO4O2, 24H2O। कार्नेलाइट का फॉर्मूला KCl MgCl2, 6H2O। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं। लाइक आप इसे देखिए, पोटास एलम का फॉर्मूला है तो किस तरीके से आयन्स में कन्वर्ट हो रहा है। वहीं कार्नलाइट, मोहर सॉल्ट, ये कुछ एग्जांपल हैं आपके डबल सॉल्ट के, जो वाटर में मिक्स करने पर चेंजअप हो जाते हैं, अपने आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहीं हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स आयन रखते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन यानी वाटर में डिजोल्व होने के बाद भी वो अपने आयन में ही रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दीज कंपाउंड्स कंटेन अ सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन विच इज अटैच्ड विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एनायंस और मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिगेंड थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसे एक फॉर्मूला है K4FeCN6। तो देखिए, यहाँ पर पोटेशियम आयन भी है और आपके फेर ये एक अपने आप में लिगेंड अलग हो गया, फिर FeCN6O4- ये अपने आप में अलग हुआ है। तो ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये लिगेंड है, एक तरीके से न्यूट्रल आयन है। मेन सेंट्रल एटम क्या है, पोटेशियम आयरन है, सॉरी आयरन यहाँ पर जो है वो मेन सेंट्रल एटम है। तो आप इस तरीके समझ सकते हैं कि मेटल जो लिगेंड से जुड़ा हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो उनके बीच में, तो वो अपने आप में कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कॉम्प्लेक्स बॉन्ड कहलाता है। इसमें कोऑर्डिनेट आयन, एक बार कॉम्प्लेक्स आयन भी समझ लीजिए, ये कोऑर्डिनेट आयन क्या होता है, एन इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेसीज कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन विच द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय फिक्स नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल जैसे अभी आपने देखा था FeCN6O4-। तो ये अपने आप में क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो कैटलिस्ट के फॉर्म में भी यूज होते हैं, फोटोग्राफिक प्रोसेस में भी यूज होते हैं और ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। लाइक क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या है, अपने आप में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। ब्लड में हमारे हीमोग्लोबिन है, ये भी अपने आप में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके अलावा विटामिन B12 जो है स्ट्रक्चर है, ये भी अपने आप में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो आप इसे बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारे प्रेजेंट हैं। नॉर्मली हमारे मेटलर्जिकल प्रोसेस जो रहता है उसमें भी ये यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही आप इनमें एग्जांपल्स देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट। ठीक है, तो मेटल क्या करता है, लिगेंड से जुड़ा रहता है। ये लुइस एसिड बेस्ड रिएक्शन होती है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में होती है। इसके बाद एक टर्म आती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, देखिए अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, पहले यहां पर कुछ टर्म देख लेते हैं, ये पढ़ेंगे हम आप। सेंट्रल मेटल एटम और आयन लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉलीहेड्रन ऑक्सीडेशन नंबर होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये कुछ टर्म है जिन्हें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड में। चलिए वन बाय वन करके बात करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स, देखिए पहले सेंट्रल मेटल आयन की बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी इसके बाद बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स आयन मैंने आपको बताया, एन इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेसीज कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन विच द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय फिक्स नंबर ऑफ आयन्स और मॉलिक्यूल्स। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स आयन्स हैं जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। नॉर्मली पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब सेंट्रल एटम देखिए निकल है यहाँ पर, पहले वाले में, दूसरे वाले में देखिए आपका आयरन है। तो उसके बाद बात करते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स आर द एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन्स विच डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद इट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डोनर एटम्स अवेलेबल फॉर कोऑर्डिनेशन द लिगेंड्स में बी क्लासिफाइड। देखिए कुछ टाइप में इसके एक्सप्लेन किया गया है जिनमें आपका यूनिडेंटेड होता है, बाइडेंटेड होता है और पॉलीडेंटेड। यूनिडेंटेड जिसमें एक डोनर एटम होता है, ये यूनिडेंटेड की डेफिनेशन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बाइडेंटेड की डेफिनेशन जहां पर दो डोनर एटम होते हैं, देखिए यहां पर एक डोनर एटम है केवल, तो ये यूनिडेंटेड है। बाइडेंटेड जहां पर दो डोनर एटम रहेंगे, वहीं पॉलीडेंटेड में हम एग्जाम्पल बात करें तो जहां पर बहुत सारे आपके बहुत सारे एटम रहते हैं, बहुत सारे डोनर एटम रहते हैं, ये बाइडेंटेड के एग्जाम्पल है। डाइमिथाइल ग्लैक्सिन और ऑक्सिलेट आयन। अब पॉलीबेंडेड या मल्टी डोनेटेड की बात करते हैं तो जहां पर बहुत सारे डोनर एटम रहते हैं, लाइक एग्जाम्पल है आपका इडिटा। इडिटा जो है इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटेट, ये ध्यान रखिएगा हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटेट, इडिटा बोला जाता है इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हमारे कुछ देखिए चिलेटिंग लिगेंड की बात करें आगे, इनमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मोर देन वन एटम पर और कैपेबल होते हैं बाइंडिंग करने के लिए सेंट्रल एटम और आयन को, ठीक है। एमिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? एमिडेंटेड लिगेंड देखिए जिनमें दो या डिफरेंट टाइप के पोटेंशियल डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं और एक ही टाइप का केवल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है मेटल आयन के साथ। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, नाइट्रो एन हो सकता है उसमें, थायोसाइनाइटो हो सकता है या साइनो हो सकता है। नाइट्रेट एन, थायोसाइनाइटो और इसमें साइनो ग्रुप, ठीक है, आइसोथायोसाइनो। तो ये अपने आप में एमिडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। इसके बाद चिलेटिंग लिगेंड्स की बात करी हमने। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर वो हमारे लिए लिगेंड्स रहते हैं जो डोनर एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप। तो यहां पर अमोनिया जो है वो सीधे सिल्वर से जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2, ठीक है। कॉपर की बात करेंगे तो EN का मतलब होता है, ये भी समझ लीजिए, EN क्या है वहां पर, देखिए NH2CS2, ठीक है। तो इथाइलिन और नाइट्रो, देखिए इस तरीके से यहाँ पर चार लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो जितने लिगेंड जुड़े होते हैं उन्हीं को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम बात कर रहे थे। उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर से बोलते हैं, द सेंट्रल मेटल एटम एंड आयन एंड द लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच टू इट और इनक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट एंड इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। तो आप आइसोलेशन ग्रुप कह सकते हैं या काउंटर आइटम्स भी बोल सकते हैं उसे, जैसे आप K4FeCN6 में देख रहे हैं, तो जो FeCN6 है वो आपके लिए रहेगा यहाँ पर, और ऐसी K2NiCl4, तो NiCl4 2+ रहेगा, ये भी रहेगा। इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पॉलीहेड्रन क्या होता है, तो द स्पेटल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स एटम विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम और आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन अराउंड द सेंट्रल एटम और आयन, लाइक टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल, बायपिरामिडल, ये कॉमन शेप्स हैं कॉमन पॉलीहेड्रम की, जैसे आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिख रहा हो स्टूडेंट्स, ये सारी शेप दे रही है, इन्हें आप समझ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये स्ट्रक्चर रहेंगे आपके, देखिए एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, पहले वाले में CONH3O5 2+ है, ये कोऑर्डिनेशन हेड्रन के पॉलीहेड्रन के थे। ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल एटम, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर आप फेरोसाइनाइड हेक्सासाइनाइड के लिए देखेंगे तो देखिए -3 चार्ज है यहाँ पर सेंट्रल एटम बनने पर, तो Fe पर कितना चार्ज आ गया, +3 आ गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं ये भी चीज समझ लीजिए। एग्जाम्पल देखिए K4FeCN6 का एग्जाम्पल लेते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, तो देखिए चार यहां पर पोटेशियम के आयन है तो कितना चार्ज हो गया, -4 हो गया।
माइनस फोर चार्ज हो गया, साइनों पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, साइनों पर होता है, सॉरी साइनों पर माइनस वन होता है, सी एन पर माइनस वन होता है, मोनिडेंटेंट साइनाइड आयन रहता है। तो देखिए आप कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से, देखिए x प्लस सिक्स इंटू माइनस वन इक्वल टू माइनस फोर, तो x इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस फोर माइनस सिक्स उधर चला जाएगा, प्लस का टू रह गया, ये आयरन पर चार्ज आ गया, आयरन पर कितना चार्ज आ गया प्लस टू, इसलिए दो डंडे आपने यूज कर लिए। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आपको यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, ये आपको अपने आप करना है। चलिए देख लेते हैं फिर K3FeCe2O4 होल थ्राइस के लिए, देखिए तो यहां पर देखिए K हट गया, अब Fe के लिए आपको निकालना है, बाइडेंटेंट है C2O4, अभी आपको बताया था माइनस टू चार्ज कैरी करेगा ऑक्सीलेट आयन, तो X प्लस थ्री इंटू माइनस टू इक्वल टू माइनस थ्री, तो X इक्वल टू आ जाएगा थ्री, अब यहां पर Fe का कितना ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री है, तो ये बाइडेंटेंट कंपाउंड है, ये थी भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर नेक्स्ट टू का देख लीजिए, यहां पर कॉपर की प्लस टू, यहां पर सिल्वर की देखते हैं प्लस वन, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको लिगेंड्स का पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं होमोलिप्टिक, तो द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल एटम इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, लाइक केवल एक सिंगल टाइप का जो डोनर ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, लिगेंड एटम रहेगा, उसे बोलेंगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे आप यहां पर कोबोल्ट देख सकते हैं, आयरन देख सकते हैं, तो ये सिंगल टाइप का एटम से जुड़ा है। नेक्स्ट आपका हेट्रोलिप्टिक, द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल एटम इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर एटम। अब देखिए दो टाइप के यहां पर बॉन्डेड है, एक अमोनियम आयन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, एक से ज्यादा हो गया, तो ये देखिए कोबाल्ट क्लोराइड, अब उसमें अमोनिया आपने मिक्स किया, और अमोनिया मिक्स करने के बाद क्या होगा, रिएक्शन कर लेगा COCl3 6NH3, COCl3 5NH3 और COCl3 4NH3, तीन कंपाउंड बनेगा अलग अलग। तो इन तीनों ही कंपाउंड में आपको देख सकते हैं उस चीज को, एल्ड्रेड वार्नर ने स्टार्ट किया, वार्नर ने वहां पर कुछ एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी को, जिन्होंने मेटल और लिगेंड्स को एक्सप्लेनेशन दिया वार्नर ने, ठीक है। तो वार्नर थ्योरी क्या कहती है वो समझ लीजिए, द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, एंड द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयन्स, द सेकेंडरी वैलेंस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर अ सेंट्रल एटम फॉर अ मेटल, ठीक है स्टूडेंट। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करती है, तो दोनों वैलेंसी को हमें सेटिस्फाई करना जरूरी होता है, प्राइमरी को भी जो आयनाइजेबल है और सेकेंडरी को भी जो कि नॉन आयनाइजेबल है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं नेगेटिव आयन हमारे क्लोरीन ब्रोमीन नाइट्रेट आयन, तो देखिए COCl2 में देख लीजिए, तो क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन है जो कि बैलेंस कर रहा है, आयनाइजेबल है, तो कोबाल्ट में अमोनिया को देखिए, अमोनिया क्या है भाई, न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस तरीके से आप बोल सकते हैं ओल्ड टर्मिनोलॉजी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी पर डिपेंड करती है और जो न्यू है वो आपकी आयन्स पर डिपेंड करती है। और लास्ट है द आयन्स और द ग्रुप बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेटल अरेंजमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, एक ही अलग अलग डिफरेंट नंबर शो कर सकता है सेकेंडरी वैलेंस में। जैसे यहां पर देखिए कोबाल्ट है, प्लेटिनियम है, आयरन है, निकल है, कॉपर है, प्लेटिनियम है, तो ये अपने अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है, दिख रहा है आपको, तो ये चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। चार उन्होंने वार्नर ने पोस्टुलेट दिए थे अपनी थ्योरी में, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी एक्सप्लेन किया। देखिए ओल्ड टर्मिनोलॉजी में सेकेंडरी वैलेंसी से एक्सप्लेन होती है, न्यू टर्मिनोलॉजी में कोऑर्डिनेशन नंबर से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो प्राइमरी वैलेंसी जो डिपेंड करती है वो नेगेटिव आयन पर, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करेगी जो कि मेटल फिक्स करेगा, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो डायरेक्शनेबल होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज अ पर्टिकुलर शेप लाइक ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लानर, हमें से क्रिटिकली ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और स्क्वायर प्लानर में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ये हमारा स्क्वायर जो स्ट्रक्चर है वो देखकर हम बता सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा रहेगा। जैसे यहां पर दो टाइप के स्ट्रक्चर देखें, सिस और ट्रांस, तो देख सकते हैं आप सिस में क्या है, सेम पोजीशन है लिगेंड्स की, और ट्रांस में क्या है, अपोजिट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए दो कंपाउंड दे रखे हैं, इन कंपाउंड्स में हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है वो भी समझेंगे, पहले इन कंपाउंड के देखिए कलर देख लीजिए, यदि अमोनिया के मॉलिक्यूल अलग अलग हैं तो वहां पर कलर भी अलग अलग है, यही चीज इंपॉर्टेंट है,
अब जब आप सिल्वर नाइट्रेट दोनों में मिक्स करेंगे और कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होगा, अब देखिए इसमें जब सिल्वर क्लोराइड पीपीटी फॉर्म करते हैं तो वहां पर उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग मिलते हैं। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर 3 थी कोबाल्ट की, पहले वाले में 6NH3 में दिख रहा है आपको कोबाल्ट की +3 वैलेंसी, दूसरे वाले में +6, ये बिल्कुल डिफरेंट होगी। यहाँ पर +6 सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 जबकि प्राइमरी वैलेंसी कितनी थी 3 क्योंकि वो चार्ज था। सेकेंडरी वैलेंसी कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो देखेंगे। ओल्ड टर्मिनोलॉजी और न्यू टर्मिनोलॉजी, नई टर्मिनोलॉजी में देखिए किस तरीके से लिखेंगे, न्यूट्रल वाले अंदर जाएंगे और चार्ज वाले नेगेटिव वाले बाहर आएंगे। ये हमारे लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जितने ज्यादा अमोनिया के मॉलिक्यूल रहेंगे उतने ही कम सिल्वर क्लोराइड के आयन फॉर्म होंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं एक क्लोरीन एटम और आगे जुड़ा हुआ है, 3 है क्लोरीन के एटम जो 3 नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को हटाएंगे। अब देखिए एक अमोनिया मॉलिक्यूल यदि यहां से कम हो गया तो उसका इफेक्ट देखिए, सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी रह गई वो तो है +6, कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेम रहेगा 5 अमोनिया होने के बाद भी, बट ड्यूअल बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर देखिए एक लिगेंड भी फॉर्म कर रहा है, एक आयन की तरह रिएक्शन कर रहा है वहां पर क्लोरीन, तो इसी चीज को देखिए। अब यहां पर नई टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बाहर चला गया, एक अंदर आ गया और दो बाहर रह गए। अब इस वाले को देखिए अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल यहां पर, अब सिल्वर क्लोराइड आपने मिक्स करो तो सिल्वर क्लोराइड जो है बन गया वहां पर सिल्वर नाइट्रेट मिक्स करने के बाद, तो यहां पर 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है 2 है प्लस का, ड्यूअल बिहेवियर रिप्रेजेंट करेगा क्लोरीन यहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यदि यहां पर एक और अमोनिया हट गया तो अब वहां पर 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के बिहेवियर करेंगे, सेकेंड बैलेंस उसकी भी 6 है और ड्यूअल बिहेवियर रिप्रेजेंट करेंगे 2 क्लोरीन के, तो 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल अंदर आ जाएंगे एक बाहर चला जाएगा, तो कंपाउंड हो गया CONH3O4Cl2Cl। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको स्ट्रक्चर देख लीजिए यहां पर आप, तो देखिए यहां पर सिल्वर क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे वो ज्यादा मिलेंगे आपको क्योंकि एक ही वैलेंसी तो बाहर रह रही है क्लोरीन की इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वार्नर्स की थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर रहेगा। कुछ ड्रॉबैक्स, इट कांट एक्सप्लेन ओनली सर्टेन एलिमेंट्स फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डजंट एक्सप्लेन व्हाई द बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज एंड डजंट एक्सप्लेन द कलर एंड द मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। इन्होंने ये कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे इनके जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नॉर्मल नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो आपको ये तो पता है कि IUPAC हमारे केमिस्ट्री कंपाउंड को नेमिंग करती है, अब कैसे करती है वो चीज आप समझ लीजिए क्योंकि हमें फॉर्मूले लिखने बहुत जरूरी हैं और आने भी चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले लिखने नहीं आएंगे तो देखिए 1 by 1 रूल पढ़ते चलते हैं। द फॉर्मूला ऑफ द कैटायन वेयर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द एनायन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स रहे कैटायन को देखेंगे सबसे पहले, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कैटायंस को देखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। सेकंड, विद इन द कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर द सिंबल ऑफ सेंट्रल एटम इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय सिंबल ऑफ फॉर्मुलास फॉर द लिगेंड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज रिस्पेक्टिव द चेंज ऑन द ऑन दैम, ठीक है। कोबाल्ट के देख लीजिए, ये अपने आप में क्या है, सेंट्रल एटम है, अमोनिया क्लोराइड अलग, तो पॉलीडेंटेड लिगेंड आर लिस्टेड अल्फाबेटिकली While listing in alphabetical order, the first letter of the abbreviation of the ligands is used to determine their position. जैसे यहाँ पर देखिए इस तरीके से पॉलीडेंटेन कौन सा है ये देख लेते हैं, ये EN है, इथाइन 1,2-diamine, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे बिल्कुल। थर्ड रूल आता है, द फॉर्मूला फॉर द एंटायर कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रखेंगे जो कि केस में आना चाहिए, जैसे आपका K2CuBr4 तो CuBr4 जो है वो केस के अंदर आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा। नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर पॉलीएटॉमिक लिगेंड एंड द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द लिगेंड एज इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। जैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बाइडेंटेंट और पॉलीडेंटेंट के एग्जांपल हैं, तो इन सबको अलग अलग केसेस में रखेंगे, अलग अलग इनके लिए ब्रैकेट्स रहेंगे। अमोनिया के लिए अलग रहेगा, EN के लिए अलग रहेगा, इथिलीन 1,2-diamine के लिए। नेक्स्ट, विद इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर द मेटल एटम एज वेल एज द लिगेंड्स आर लिस्टेड विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा चाहे कितने भी लिगेंड्स क्यों ना आ जाए वहां पर,
लिगेंड्स जाए वहां पर दो हो, तीन हो, चार हो, उससे कोई मतलब नहीं, कोई स्पेस नहीं. व्हेन द फॉर्मुला फॉर द कैटायनिक और एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज टू बी रिटन विदाउट दैट द काउंटर आयन, देन द चार्ज विद द नंबर बिफोर द साइन इज रिटन एज अ राइट सबस्क्रिप्ट आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब देखिए, जब आप कोऑर्डिनेशन चाहे वहां पर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स लगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स लगे, तो उस पर चार्ज अलग अलग लिखेगा. तो ये कुछ रूल थे हमारे कॉम्प्लेक्स के लिए. फर्स्ट, फॉर कोऑर्डिनेशन अमाउंट दैट आर आयनिक, दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्पेयर सर्विस आइदर ऑज द कैटायन और द एनायन ऑफ द आयनिक सब्सटेंस, द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट एंड सेपरेटेड बाय अ स्पेस फॉर द एनायन. ठीक है, इस चीज को यहां पर देख लीजिए. K4Fe3N6 पहले आ गया पोटेशियम पॉजिटिव वाला, फिर फेरो साइनोफेरेट जो सेंट्रल एटम था वो सबसे लास्ट में आ रहा है, दिख रहा है आपको. तो सेपरेट कर दिया गया है पहले ही कैटायन को, और एनायन पार्ट पूरा अलग. एक और एग्जाम्पल ले लिया, हेक्सामीन कोबोल्ट क्लोराइड, तो ये वाला कैटायन पार्ट है शुरू वाला, बाद वाला एनायन पार्ट है क्लोरीन वाला. एनायन और कैटायन को आपको अलग अलग सेपरेटली लिखना है, ये चीज भी ध्यान देंगे. नेक्स्ट, व्हाइल नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्पेयर लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमेरिकल इन पैरेंथेसिस. अब हमें जो चार्ज, आप जो भी सेंट्रल एटम रहेगा चाहे जो भी हो, उसे उसके क्या करना है आपको, रोमन नंबर के साथ लिखना है. जैसे प्लेटिनियम है तो प्लेटिनियम को उसके चार्ज होना चाहिए, तो डायमीन टेट्राक्लोराइड प्लेटिनियम, और प्लेटिनियम क्या आ गया चार्ज उसका 4. कुछ और रूल देखते हैं नेम ऑफ लिगेंड्स लिखने के लिए. आयनिक लिगेंड्स आर गिवन नेम दैट एंड इन द लेटर ओ व्हेन द नेम इज द ऑफ द फ्री अनकोऑर्डिनेटेड एनायंस एंड इन 8 द नेम ऑफ द लिगेंड इज चेंज एंड इन एंड जो करेंगे वो 8 से करेंगे, ATO से. जैसे आप इस तरह देख सकते हैं एसीटेट को एसीटेटो, सल्फेटो थायोसाइनाइटो. व्हेन द रूल ऑफ द फ्री अनकोऑर्डिनेटेड एनायन एंड्स इन डाई एंड द लिगेंड्स नेम इज चेंज इन द इडो. देखिए, फ्लोराइड को फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडो, नाइट्रोडो, अमीडो, अजीडो. तो ये आपको यहां पर IDO यूज करना है अनकोऑर्डिनेटेड एटम एनायन के लिए. जो फ्री अनकोऑर्डिनेटेड एनायन है उसके लिए IDO. न्यूट्रल लिगेंड्स आर गिवन द सेम नेम ऑन द कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल, जैसे प्रीडीन, डाइनाइट्रोजन, डाइऑक्सीजन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, एक्वा वाटर के लिए बोलते हैं एक्वा, ठीक है, अमीन, नाइट्रोसिल और कार्बोनिल, नाइट्रोसिल एनओ, कार्बोनिल CO. तो ये कुछ स्पेशल नेम है न्यूट्रल लिगेंड्स. पॉजिटिव लिगेंड्स आर नेम्ड विदाउट एनी चेंज. पॉजिटिव एनायन ऐसे आएंगे नाइट्रोनियम, हाइड्रोजनियम, नाइट्रोशनियम. इफ द सेवरल लिगेंड्स ऑफ द सेम टाइप आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम देन देयर नंबर इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एटसेट्रा. देखिए, सेंट्रल मेटम एटम्स के साथ जो भी आ रहा है उसके लिखेंगे ट्राई अमीन एक्वा डाई क्लोरोडो कोबोल्ट 3-ब्रोमाइड. कोबोल्ट सबसे लास्ट में आ गया, ये चीज आपको दिख रहा है मेटल के उसके साथ, उसका वो भी आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर. इफ द नेम ऑफ द लिगेंड्स इन क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूड्स अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, द प्रीफिक्स लाइक बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एंड पेंटाकिस इज यूज्ड. देखिए, RuCl3 और PPS3 होल थ्राइज, तो ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ट्राई क्लोरोडो थेरियम. व्हेन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज आइदर न्यूट्रल और कैटायनिक द यूजुअल नेम ऑफ द मेटल इज यूज्ड लाइक ट्राई अमीन, ट्राई क्लोरो और कोबोल्ट 3. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एक और एग्जाम्पल टेट्रा एक्वा डाई क्लोरोडो क्रोमियम 3-क्लोराइड. अब देखिए, दोनों क्लोरीन अलग है, दोनों के लिए अलग है, वहां पर अंदर डाई क्लोरोड आया और बाहर वाले में क्लोराइड. द यूजुअल नेम ऑफ द मेटल इज रिटेन्ड, द कोऑर्डिनेशन एंट्री इज NNNN, द नेम ऑफ द मेटल एंड विद द सफिक्स 8. जैसे यहां पर सोडियम टेट्रा अमीन ट्राई क्लोरो पेंटेनेट, यहां पर क्या है कोऑर्डिनेशन एंट्री जो है वो माइनस में, तो उस चीज को उन्होंने रिप्रेजेंट कर दी. आयरन को फेरेट, क्यूप्रेट, आर्जेंटेट और एरुएट, ये कुछ नाम है आपके लिगेंड्स के लिए. आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जैसे यहां पर देख सकते हैं पोटेशियम टेट्राक्लोराइड क्यूप्रेट, वहां पर कॉपर जो है वो अंदर आ गया लिगेंड्स की फॉर्म में आ गया. सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट AgO, वहां पर जो है वो लिगेंड्स की फॉर्म में आ गया. अब ये कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, इनके नाम आपको लिखने हैं. चलिए पहले वाले की बात कर लेते हैं. देखिए, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबोल्ट 3-क्लोराइड. नेक्स्ट है डाई क्लोरोडो बिस इथेन 1,2-डायमीन कोबोल्ट. और ये कुछ IUPAC नेम लिखने हैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के. पहले वाले की बात कर लेते हैं. देखिए, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबोल्ट 3-क्लोराइड. कैटायनिक पार्ट क्या है क्लोरोडो, उसने पहले ही बता दिया. सबसे पहले सिंबल ले लेते हैं सेंट्रल मेटल आइटम का, तो CO3 NH3 होल फोर्स H2O Cl-
इस देखिए पहले हमने सबके अलग अलग यहाँ पर लिख लिए। टेट्रामीन कह रहा था चार अमीन के पार्ट आ गए, एक्वा कह रहा था वाटर आ गया, कोबोल्ट अलग कर लिया, क्लोराइड अलग कर लिया। अब कैटाइनिक पार्ट अलग कर लीजिए, एनायनिक अलग, न्यूट्रल अंदर लिखा जाएगा, कैटाइनिक चला गया बाहर जो भी पार्ट रह गया। देखिए यहाँ पर हो गया, तो ये कैटाइनिक पार्ट या एनायनिक, CONH3O4H2OCl और फिर बाहर Cl2, क्योंकि कोबोल्ट का था चार्ज वहां पर बैलेंस करा उन्होंने। नेक्स्ट और दोनों को देख लीजिए, CoCl2En+। उसके बाद IUPAC नेम की बात करते हैं, तो देखिए पहला वाले में नाम देखेंगे कोबोल्ट, क्लोरिडो और EN। EN बताया था इथाइलीन 1,2-डायमीन, कोऑर्डिनेशन अमाउंट +3 आ गया। यहाँ पर पहले निकाल लेंगे कोबोल्ट का कोऑर्डिनेशन स्टेट जो भी है, ठीक है। अब क्लोरिडो अलग हो गया, इथिलीन 1,2-डायमीन अलग हो गया, कोबोल्ट अलग हो गया। नाम कैसे लिखेंगे, डाइक्लोरिडो बिस इथिलीन, बिस उनने अलग अलग वहां पर दे दिया, तो डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2-डायमीन कोबोल्ट 3। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम क्लियर हो गए। उसके बाद आगे हम बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करें, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय द फैमिली, गुड बाय स्टूडेंट्स। यहां पर आपका एक पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फिनिश होता है। ओके, गुड बाय।